नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका डेली राशि में। साप्ताहिक राशिफल 25 तारीख से लेकर 3 मार्च तक का मैंने आप सभी को दे दिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आज बात करूँगा होलास्टक की, बात करूँगा शनिवार के उपाय की और दूंगा आपको आपका राशिफल। तो देखते रहिएगा पूरी वीडियो को मेरे साथ। कल है शनिवार, 24 तारीख है। देखते हैं आपकी राशियां आपके बारे में क्या कह रही हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि और भी लोग इसे अच्छे से देख पाएँ। मेष राशि की बात करूं तो आर्थिक नुकसान थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है कल, और स्थितियां कुछ ज़्यादा अच्छी कल नहीं दिखाई दे रही हैं। खासतौर से आर्थिक फ्रंट पर आप कल परेशान रह सकते हैं। मशीनों के साथ अगर काम करते हैं और मशीनों से अगर प्यार करते हैं तो कल थोड़ा संभल कर काम करें, कुछ चोट लगने की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं वृषभ की बात करूं तो मन में थोड़ा सा अनइजीनेस आपको देखने को कल मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि दिन जो है वो ठीक रहेगा, उनको जो उनके रिजल्ट्स मिलेंगे काफ़ी अच्छा मिलेंगे, और शाम होते होते तक जो थकान थी आपके मन में वो आपकी मिट जाएगी। वहीं अगर मिथुन राशि की बात करूँ तो थोड़ा सा घर का जो वातावरण है थोड़ा सा अप एंड डाउन की स्थिति कल दिखा रहा है, और जो लोग हैं आपकी बातों को कल हो सकता है उस तरह से ना समझ पाएँ जिस तरह से वो समझना चाहते हैं, तो सेहत पे भी कल थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड ही दिखा रहा है। कर्क की बात कर लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा दिन रहेगा आपका। आप कल अपने काम में काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हुए दिखाई देंगे। आपकी बातों को लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकेंगे। कोई नई परियोजना की भी स्टार्टिंग कल हो सकती है। चलिए दोस्तों, थोड़े से बात कर लेते हैं यहाँ पर हम शनि देव की, क्योंकि कल है शनिवार का दिन। देखिए, पैसों की तंगी हो चाहे कैसी इस तरह की समस्याएं हो, ऐसे में मनुष्य जो होता है वो कई बार परेशान होता है, और जब उसकी शनि की दशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि उनको बताया गया हो कि शनि उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो किस तरह से शनिवार वाले दिन वो उपाय करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले उपाय की। तो पहला जो उपाय है, रोज घर के मेन गेट पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक बुझ जाए और बचे हुए तेल को शाम को पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। किसी भी शनिवार से ये काम आप शुरू कर सकते हैं। ये उपाय रोज या हर शनिवार को करना आपके लिए अच्छा रहता है। वहीं कड़ी मेहनत करने के बाद भी पैसों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है तो किसी भी शनिवार को सफ़ेद रंग के कपड़े का ध्वज पीपल के पेड़ पर लगाने से थोड़ा सा लाभ आपको मिलता है। मतलब कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत हो रही है तो सफ़ेद रंग का एक झंडा लीजिए और उसे पीपल के पेड़ पर लगा दीजिए। तीसरा उपाय है कि किसी भी शनिवार में आटे की दो रोटियां बनाएं। एक रोटी पर सरसों का तेल और मिठाई रखें और दूसरे पर घी। दोनों रोटी किसी काली गाय को खिलाएंगे तो शनि देव की सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। चलिए हम आगे की राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने मिथुन तक आपको बताया था, अब मैं बात करूंगा, बल्कि मैंने आपको कर्क तक बता दिया था, मैं बात करूंगा सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी लाभ उन्हें होते हुए दिखाई देंगे। कुछ आर्थिक मुनाफा कल होता हुआ दिखाई दे सकता है। कल खाने पीने के मामले में भी दिन काफ़ी अच्छा है। हालांकि खाने पीने के मामले में दिन अच्छा है लेकिन पेट से संबंधित बीमारियां आपको कल सता सकती हैं। कन्या की बात करूं तो प्रयासों में सफलता मिलती हुई कल दिखाई दे रही है। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें आप शामिल होते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो लोग आपके विरोध में हैं कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं लेकिन मैं आपसे बता दूं वो सफल नहीं होंगे। वहीं तुला राशि की अगर बात करूं तो ज़्यादा कल जोखिम ना उठाएं, कोई बड़े सौदे पर बहुत बड़ा निर्णय ना लें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा निर्णय ना लें। यात्राएं जो होंगी वो थोड़ी बहुत समस्याएं पैदा जरूर करेंगी कल, तो थोड़ा सा धैर्य से काम लेंगे तो बेटर रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं और आर्थिक के रूप में भी ये चीज़ें अच्छी हैं, और बाहर के कुछ जो फॉरेन से आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको कल फ़ायदा दे सकते हैं, और पुरानी बीमारियों से भी आपको राहत जो है वो मिलती हुई दिखाई यहाँ पर दे रही है। तो चलिए बाकी जो बची राशियां हैं धनु से लेके मीन तक की उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा होलास्टक के बारे में आपको बता दूं। होलास्टक के 8 दिनों में मन जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। लाल और गुलाबी रंग का विभिन्न तरीकों से आप करते हैं लेकिन 8 दिनों में
जो है कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको नहीं करने पड़ते। भगवान कृष्ण ने इन 8 दिनों में गोपियों के संग होली खेली थी और अतः होली के रंगे लाल वस्त्रों को अग्नि को समर्पित कर दिया था। इससे होली मानुभावों की अभिव्यक्ति का पर्व है जिससे वैज्ञानिक महत्ता है। फागुन मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर होली का दहन तक अवधि में होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, होली तथा आठ, 8 दिनों का पर्व। इन दिनों गृह प्रवेश, मुंडन, संस्कार, विवाह संबंधी वार्तालाप, सगाई, विवाह, किसी नए कार्य को करना, नींव आदि रखने का, नया व्यवसाय आरंभ करने का या मांगलिक कार्य जो है कोई भी काम इन दिनों में नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ना तो कोई मुंडन कराइए, ना कोई संस्कार कीजिए, ना कोई शादी से रिलेटेड कोई बात करिए, कोई सगाई करिए, विवाह करिए, कुछ ऐसा काम, शुभ काम आप इन होलाष्टक के दिनों में आप ना ही करें तो बेटर रहेगा। चलिए धनु की बात कर लेता हूँ। व्यवसाय में परिवर्तन के कुछ योग दिखाई दे रहे हैं और अगर आप ऋण लेना चाह रहे थे तो वो भी आपको मिलते हुए कल दिखाई दे रहे हैं और विदेशों से भी कल आप जो है वो लाभ उठा सकते हैं, तो काफ़ी दिन आपका जो है वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर की बात करूं तो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे और जो पुराने आपने सोच रखे हैं, जो आपने नई सब योजनाएं बनाई हैं वो आपको मिलेंगी। कुछ बड़े लोगों की मदद भी आपको कल मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कुंभ की बात कर लूँ तो कुंभ नई योजनाएं जो हैं वो सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो घाटा है वो भी कम होता हुआ आपको कल दिखाई देगा। बड़े निवेश से मैं बोलूँगा आपको कि थोड़ा बचना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कोई बड़ा घर का आपको कल निवेश को लेकर आपको डांट दे। वहीं मीन की बात कर लूँ तो सामाजिक प्रतिष्ठा को कल थोड़ा संभाल के रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, नहीं तो कुछ क्लेश की स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि यात्रा के योग भी कल दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य से भी रिलेटेड परेशानी कुछ दिखाई दे रही है। चलिए अब एक उपाय और बता देता हूँ आपको शनिवार का, जो कि है कि प्रत्येक शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने के बाद 7 अगर परिक्रमा करते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कई शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती है। तो बहुत छोटे छोटे से उपाय बताकर मेरी उम्मीद यही रहती है कि मैं आपको बता पाऊँ और रोज़ आपके साथ मुखा पाऊँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे हस्तरेखा का एनालिसिस कराना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल एनालिसिस आर पेड, आपको निश्चित फीस उसकी देनी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी आपसे।